and good morning students. I, Rajeshwari, welcome you all in the Nexus Academy to develop a passion of learning. Today I am going to teach you about power sharing. This is the first chapter of your civics book. तो आपके सिविक्स का ये पहला चैप्टर है पावर शेयरिंग यानी पावर को बांट देना. तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पावर होती क्या है, ताकत क्या होती है. तो पावर इज अ एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू समथिंग और एक्ट इन अ पर्टिकुलर वे. यानी ताकत एक ऐसी क्षमता है जो आपको स्टैब्लिश करती है किसी भी माइनॉरिटीज पर या किसी भी पुअर पर. ठीक है, तो ये डेमोक्रेसी में ही पॉसिबल है, क्योंकि अगर डेमोक्रेसी नहीं है तो पावर तो इंडिविजुअल के पास ही है, तब लड़ाई की कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाती. लेकिन अगर हमारे डेमोक्रेसी है, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए पावर को शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बहुत सारे कारण हैं. सबसे पहले तो ये रिड्यूस करता है किसी भी लड़ाई को, यानी इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप. एंड इससे क्या होता है, पावर बांट देने से क्या होता है कि सारे लोग बहुत अच्छे से रहते हैं, किसी के भी मन में अलगाव वाली स्थिति पैदा नहीं होती. क्योंकि हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, डेमोक्रेसी सिंपली मीन्स है ऑल आर इक्वल, ऑल आर फ्री. तो इससे क्या होता है, विद इन द सेम कंट्री बहुत सारे लोग हैं और सबके मन में आता है कि पावर के जगह पर उनको भी एक चांस मिले कि वो भी आए और अपने आप को शो करें. तो इसीलिए पावर को बांटना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो क्या होगा, देश बढ़ जाएगा. जैसे कि हमारे सामने बहुत बिगेस्ट एग्जांपल था, हमारे पावर को शेयर करने के लिए हिंदुस्तान पाकिस्तान बना. तो ये तो खैर बात की बात है सर, हम बच्चों हम कंटेंट में आते हैं. तो आज मैं ये बताना चाहूँगी कि वाई पावर शेयरिंग इज डिज़ायरेबल. सबसे पहला ये पॉइंट है, दो रीज़न है, एक है प्रूडेंशियल रीज़न, दूसरा है मॉरल रीज़न. प्रूडेंशियल रीजन में क्या होता है, इट अवॉइड्स कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि लड़ाई झगड़े को बिल्कुल कम कर देता है. और दूसरा, मेजॉरिटी कैन नॉट रूल ओवर माइनॉरिटी. मेजॉरिटी जो बहुसंख्यक है, माइनॉरिटी जो अल्पसंख्यक है. यानी मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी को आप एक्सटिंक्ट और एंडेंजर्ड के रूप में समझो बच्चों. एक्सटिंक्ट जो खत्म हो गए हैं, और एंडेंजर्ड जो खतरे की कगार पर है. तो मेजॉरिटी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये मेजॉरिटी में है, लेकिन माइनॉरिटी में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और अनटचेबल्स नहीं आते बच्चों. माइनॉरिटी का मतलब ये होता है जिसको हमें बचाने की ज़रूरत है, लाइक जैनिज्म, जोरास्ट्रियंस, बुद्धिज्म. आपने कभी सुना है, बौद्ध धर्मावलंबियों को आपने कभी जल्दी देखा है, नहीं देखा होगा. या फिर जैन धर्म को जो बिलोंग करते हैं उनको भी आपने जल्दी नहीं देखा होगा. तो हमारे देश में ये जो माइनॉरिटीज है ये विलुप्त होते जा रही है. तो हमें क्या करना है कि जो पावर है इन पर भी बांटना है, ताकि इनको अलगाववाद की महसूस ना हो, फीलिंग ना आए, इनको लगे कि हम भी इसी देश के वासी हैं, इसीलिए वो लड़ाई की तरफ ध्यान ही नहीं देंगे या फिर अपना एक मूवमेंट नहीं चलाएंगे. उन्हें लगेगा कि हम माइनॉरिटी हैं, सो व्हाट, माइनॉरिटी हैं, लेकिन हमें भी उतना ही इंटरेस्ट दिया जा रहा है, हमें भी वैल्यू किया जा रहा है. तो इसीलिए हम क्या करेंगे, प्रूडेंशियल रीजन के तहत मेजॉरिटी को जो राइट देंगे वही हम माइनॉरिटीज को भी देंगे, ताकि मेजॉरिटी के मन में ये रहे कि नहीं, हमको माइनॉरिटी को किसी भी तरह से दबाना नहीं है, क्योंकि जो राइट्स हमारे पास है वही राइट्स तो माइनॉरिटीज के पास भी हैं. तो पावर अगर मेजॉरिटी और माइनॉरिटी में इक्वल रहेगा तो हमारा देश बटेगा नहीं, कोई पार्टीशन नहीं होगा. दूसरा, अगर हम मॉरल रीजन देखें तो ये डेमोक्रेसी की आत्मा है, स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, और एंश्योर्स लेजिस्टमेट गवर्नमेंट. लेजिस्टमेट यानी कि सही सरकार, वैध सरकार. अब लेजिस्टमेट गवर्नमेंट कब नहीं होगी, जब लोगों को पूछा ही नहीं जाएगा या फिर लोगों की भावनाओं को नहीं समझाया जाएगा. और इंडिविजुअल अगर कोई अपनी सरकार बनाएगा बिना पूछे किसी से तो वो अवैध हो जाएगी, लेकिन अगर वो पूछ के बनाएगा, लोगों के समझ से बनाएगा, तो वो लेजिस्मेट गवर्नमेंट हो जाएगी. यानी पावर शेयरिंग में मॉरल रीजन आपका क्या हो गया, स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी की आत्मा है. डेमोक्रेसी है तो पावर को बांटना ही होगा. दूसरा, अगर पावर बढ़ जाएगा तो एक वैध सरकार ही आएगी, ना कि डिक्टेटरशिप आएगी. तो इस तरीके से हमने देखा कि प्रोडेंशियल रीजन क्या हो सकता है, अगर है तो वो लड़ाई नहीं करेगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी इंश्योर करवाएगा, यानी आपका राजनीति जो है उथल पुथल नहीं होगा, वो स्टेबल रहेगी. दूसरा, मेजॉरिटी माइनॉरिटी पर रूल नहीं कर पाएगा अगर पावर का बंटवारा होता है तो. और दूसरा, मॉरल रीजन से देखा, स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है, और ये
डेमोक्रेसी का स्पिरिट है तो ये इंश्योर कराएगी कि आपके पास एक सही सरकार आए। तो हम पावर को बहुत तरीके से बांट सकते हैं। सो देयर आर फोर रीजन, यानी फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। सबसे पहले तो हम आते हैं हॉरिजॉन्टल। अब देखो हॉरिजॉन्टल में क्या हो गया, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। सबसे पहले बच्चों आपको यह समझना होगा कि पावर इन तीनों के बीच में बटा हुआ है, यानी डेमोक्रेसी एक फिगर है आपके सामने में। तो डेमोक्रेसी एक फिगर है, डेमोक्रेसी का सिंपली मतलब यह है कि ऑल आर इक्वल। तो फिर कौन किस पर ब्लेम करेगा, कौन किस पर क्लेम करेगा, यानी आपस में लोग लड़ने लगेंगे। किन्हीं को समझ में ही नहीं आएगा कि पावर कौन बनाएगा, उसको चलाएगा कौन, फिर अगर उसमें कुछ गड़बड़ी हो रहा है तो फिर उसके लिए जजमेंट कौन करेगा। तो सबसे पहले किसी भी डेमोक्रेसी में पावर इन तीनों, यानी आप ऐसा कह सकते हो कि किसी भी डेमोक्रेसी का ये तीन ऑर्गन है। जैसे कि हमारा एक बॉडी का ऑर्गन होता है, हम अपने बॉडी के इंटरनल और आउटर ऑर्गन के बगैर नहीं जी सकते, उसी तरह डेमोक्रेसी भी इन्हीं तीन पर पहले बेस है। पहले लेजिस्लेटर, ये लेजिस्लेचर, इसको लॉ मेकिंग बॉडी कहा जाता है, यानी लेजिस्लेचर कंसिस्ट ऑफ टू हाउसेस। पहला राज्यसभा है, लोकसभा है, यानी ये सिंपली कानून बनाएगा। इसका काम है सिर्फ कानून बनाना, उसके बाद इसको आगे बढ़ाना, यानी एग्जीक्यूशन का काम। एग्जीक्यूटिव क्या करेगा, उस पर मोहर लगाएगा, साइन करेगा, डेट डालेगा और वो सर्कुलेशन के लिए आगे बढ़ाएगा। यानी अब जो भी कानून यहां बना उसको चलाने का जिम्मा एग्जीक्यूटिव का है, क्योंकि ये लोग भी तो उसमें साइन करेंगे ना। बगैर साइन का कोई भी चीज, कोई भी नोटिस, सर्कुलेटर नहीं बन सकता। और इनका काम है कानून बनाना, इनका काम है चलाना, और जुडिशरी का काम है देख रेख करना। यानी ये तीनों किसी के भी काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे, ये तीनों फुल्ली इंडिपेंडेंट है, यानी अपने अपने काम को लेकर पूरी तरह आजाद है। अगर लॉ में कुछ भी गड़बड़ी होती है तो उसका जिम्मा सिर्फ जुडिशरी को है, जुडिशरी ही देखेगी कि क्या सही हो रहा है या क्या सही नहीं हो रहा है। तो हमने फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग को हॉरिजॉन्टली देखा कि लेजिस्लेचर में भी पावर बटा हुआ है कि वो कानून बनाएगा, एग्जीक्यूटिव वो सिर्फ आगे चलाएगा, जुडिशरी उसकी देखरेख करेगा। अगर हम वर्टिकली जाएं, अब हॉरिजॉन्टल से फिर हम नीचे जाते हैं, पावर यहां भी डिवाइडेड है बिटवीन यूनियन लेवल, यूनियन लेवल यानी सेंट्रल लेवल, जहां पे पीएम नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं। तो सेंट्रल लेवल जो है एक तरह से रूलिंग गवर्नमेंट भी है, वो पूरा अभी रूल कर रही है प्रेजेंट में, तो पावर वहां डिवाइडेड है। लेकिन क्या किसी भी इंडिविजुअल के लिए ये पॉसिबल है कि वो इतने वास्ट कंट्री इंडिया में अच्छे से देखरेख का कार्य संभाल सके? इट इज इम्पॉसिबल, क्योंकि किसी भी एक अकेले व्यक्ति के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो हर अफेयर्स को ध्यान से देखे। तो क्या होता है कि पावर थोड़ा सा बांट दिया जाए, इससे क्या हो गया, वो भी फ्री हो गया, उनको भी आसानी से, यानी इन तीनों के नाम में थोड़े थोड़े पावर को डिवाइड कर दिया गया। इससे क्या हो गया, इतना वास्ट कंट्री जो है इजी से चल रहा है, ना कोई झगड़ा ना कोई लड़ाई, यानी आप भी इंजॉय करो हम भी इंजॉय करेंगे। लेकिन अगर कुछ गलत होता है तो जुडिशरी है ना, ये पावर जुडिशरी को ही मिला है, वही देख रेख करेगी। तो यूनियन गवर्नमेंट को पावर मिला है, फिर आते हैं स्टेट गवर्नमेंट को पावर मिला है, फिर लोकल गवर्नमेंट को भी पावर मिला है। ऐसा इसीलिए क्योंकि हमारा इंडिया डाइवर्स ग्रुप को बिलोंग करता है, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग बोलियां हैं। तो इससे क्या होता है, लोकल गवर्नमेंट में भी पावर इसलिए बांट दिया गया कि वहां के लोकल गवर्नमेंट ही शायद बेहतर तरीके से वहां के लोगों को समझ पाएगी, रैदर देन यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो पावर यहां भी डिवाइडेड है, यहां भी डिवाइडेड, यहां भी डिवाइडेड, और सब मिल करके एक डेमोक्रेसी को चला रहे हैं। अब हम तीसरे फॉर्म में अगर पहुंचते हैं तो पावर यहां भी डिवाइडेड है, सोशल ग्रुप्स में भी, जैसे कि रिलीजियस, फिर आता है जेंडर, फिर आता है लिंग्विस्टिक। रिलीजियस यानी धार्मिक, हर धर्म को अपने अकॉर्डिंग चलने का अधिकार है, यानी थोड़े थोड़े पावर उनको दिए गए हैं। जेंडर यानी मेल को भी अधिकार है, फीमेल को भी अधिकार है। और लिंग्विस्टिक यानी फिर वही आ जाता है भाषाएं, भाषाई क्षेत्र, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग बोलियां, एक भाषा में भी बहुत तरह की बोलियां होती है। और उसके बाद हम देखेंगे बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप भी पावर्स आर डिवाइडेड। जैसे आसाम घाना परिषद, ये पॉलिटिकल पार्टीज है। अब हमारे देश में, हमारा देश जो है मल्टी पार्टी सिस्टम को फॉलो करता है, यानी एट ए टाइम यहाँ कई सारे ग्रुप और पार्टियाँ आती हैं, अपने आप को प्रूफ करती हैं और पावर को होल्ड करती हैं। तो इससे क्या होता है, एलिनेशन वाला, अलगाव वाली फीलिंग नहीं आती कि डेमोक्रेसी का हिस्सा हम भी हैं, तो एक को इतनी प्रायोरिटी क्यों, एक को इतनी स्पेशलिटी क्यों। एट ए टाइम सब अपने आप को प्रूफ करेंगे और जो भी प्रूफ कर लेगा वो पावर को होल्ड करेगा। दूसरा, ये नर्मदा बचाओ आंदोलन,
and backward and minority communities employee federation. These are the pressure group. अब प्रेशर ग्रुप में भी पावर डिवाइडेड है, क्योंकि प्रेशर ग्रुप अगर नहीं होगा तो पावर अच्छे से चल रहा है या नहीं चल रहा है, या रूलिंग गवर्नमेंट अच्छे से काम कर रही है नहीं कर रही है, ये कैसे पता लगेगा? इनका राजनीति में कोई लेना देना नहीं है, इनका काम सिर्फ ये है कि ये सरकार पर प्रेशर डालें, उनको दिखाएं, उन्हें याद दिलाएं कि हमें, हम जनता ने जब आपको चुना है तो आप एक स्पेशल ग्रुप को प्रमोट नहीं कर सकते, बढ़ावा नहीं दे सकते। अगर डेमोक्रेसी का हिस्सा है आप तो आपको हर ग्रुप को इक्वली ट्रीट करना होगा। तो प्रेशर ग्रुप का यही काम होता है, ये सिर्फ सरकार को याद दिलाती है। अब प्रेशर ग्रुप में एक मीडिया भी है, मीडिया अगर नहीं होगी तो हर कोई अपनी मनमाने करेगा। अब मीडिया है तो वो हाईलाइट करवाती है, तो सरकार का ध्यान फिर अपने सेंटर पॉइंट पे आ जाता है कि नहीं हमें ये काम करना है। तो इस तरीके से हमने देखा कि पावर को बांटना क्यों जरूरी है, क्योंकि इतना वास्ट कंट्री में कोई एक सिंगल पर्सन अच्छे से नहीं चला सकता। वास्ट कंट्री है, डाइवर्सिटी है, वेरिएशन है, सबको समझाने के लिए, समझने के लिए अलग अलग लोगों की जरूरत है। और ऐसा नहीं है कि पावर को डिवाइड करने से लड़ाई होता है, कंट्री एक ही रहती है। देखो तुम्हारे सामने बिगेस्ट एग्जाम्पल है, हमारा देश अच्छे से चल रहा है ना। तो इसीलिए डेमोक्रेसी में पावर का बंटवारा होना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो डिक्टेटरशिप कहलाएगा। तो बच्चों आज मैंने आपको पावर शेयरिंग के बारे में बताया, तो अब हम इसको और अच्छे से कैसे समझेंगे। आपके चैप्टर में दो स्टोरी दी गई है, एक है श्रीलंका का एथनिक कॉम्पोजिशन और दूसरा है बेल्जियम का एथनिक कॉम्पोजिशन। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे कि श्रीलंका में भी एथनिक कॉम्पोजिशन है और बेल्जियम में भी एथनिक कॉम्पोजिशन है, यानी श्रीलंका में पावर का बंटवारा नहीं हुआ और वो देश बट गया, लेकिन बेल्जियम ने अपने देश को बटने से ओके चिल्ड्रन, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। और नेक्स्ट लेक्चर के जरिए हम ये चर्चा करेंगे कि व्हाट आर द एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ पावर शेयरिंग, यानी पावर को बांट देने से क्या अच्छा होता है और क्या अच्छा नहीं होता है। आई होप आप नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छे से समझ जाओगे कि पावर का बंटवारा डेमोक्रेसी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूले। कमेंट इसीलिए करना ना भूले क्योंकि जब तक आप हमें कमेंट नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि और भी वीडियो कैसे अच्छा बनाना है, लेक्चर कैसे अच्छा बनाना है, क्या खामियां रह गई नहीं रह गई। तो आपके कमेंट से हम मोटिवेट होते हैं और फिर मोटिवेट होकर के अच्छे लेक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक और बात बच्चों, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा क्योंकि इसके जरिए सबसे पहला नोटिफिकेशन आप ही के पास आएगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन गुड बाय।